नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सीजन पास टिकट के बारे में। जो दोस्तों पास होता है, ट्रेन का पास जो लोग बुक करते हैं, वो पास किस तरीके से आप बुक कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो इंडियन रेलवे का पास होता है वो 150 किलोमीटर तक का आप बुक कर सकते हैं, इससे ज्यादा का पास आपको नहीं मिलेगा। पास बुक करने का दोस्तों दो तरीका होता है। पहला तरीका ये होता है दोस्तों ऑफलाइन, दूसरा होता है ऑनलाइन। ऑफलाइन तरीके में ऐसा होता है दोस्तों कि आपको इंडियन रेलवे के आप टिकट काउंटर पर जा करके अपने पास को बनवा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको अनरिजर्व टिकट में जाना होता है, जहाँ पे दोस्तों चालू टिकट मिलता है, जनरल टिकट मिलता है, वहाँ से दोस्तों आपको पास मिलेगा। रिजर्वेशन वाले विंडो पे आपको दोस्तों पास नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों अनरिजर्व काउंटर पर आपको जाना है और वहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड को देना है, जो कि उसमें दोस्तों आपका नाम और एज लिखा रहता है। उस आधार कार्ड पे सीजन पास को जनरेट करके दे दिया जाता है, जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ऑनलाइन की। तो ऑनलाइन दोस्तों आप UTS एप्लीकेशन का यूज करके ऑनलाइन सीजन पास बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे चलता हूँ और UTS एप्लीकेशन को ओपन करके मैं एक सीजन पास को बुक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं UTS एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे लॉग इन कर चुका हूँ। तो लॉग इन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत सारे बुकिंग के ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। तो सिंपली दोस्तों सीजन टिकट पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों सीजन बुकिंग पे आप जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलता है, बुक एंड ट्रेवल पेपरलेस, दूसरा बुक एंड प्रिंट पेपर। अगर दोस्तों आप बुक एंड प्रिंट पेपर वाले ऑप्शन पे टिकट को बुक करते हैं तो आपको टिकट बुक करने के बाद जो है अपने ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर जाके पेपर का प्रिंट लेना होगा, मतलब टिकट लेना होगा। और दोस्तों अगर आप बुक एंड ट्रेवल पेपरलेस पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपको कोई भी टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे शो टिकट का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप टिकट दिखा करके यात्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप नीचे देख पा रहे होंगे दो ऑप्शन आ रहा है, इशू टिकट और रिन्यू टिकट। अगर दोस्तों आपका ऑलरेडी पहले से ही आपने किसी पास को बुक किया हुआ है तो यहाँ पर रिन्यू टिकट पर क्लिक करके आप उस पास को रिन्यू कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप नया बनाना चाहते हैं तो इशू टिकट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं इशू टिकट पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही दोस्तों मैं इशू टिकट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, एक लिख रहा है नेक्स्ट डेट, एक लिख रहा है करंट डेट। अगर दोस्तों आपको आज से ही यात्रा शुरू करनी है तो आप करंट डेट पे क्लिक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आपको कल से यात्रा शुरू करना है तो नेक्स्ट डेट पे कर दीजिए। तो मैं नेक्स्ट डेट पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे सोर्स स्टेशन जो भी होगा आपको आपका एंटर कर लेना है, और टू स्टेशन जो भी आपका जहाँ से जहाँ तक का भी दूरी होगा वहाँ आपको एंटर कर देना है। और दोस्तों याद रहे 150 किलोमीटर के अंदर में होना चाहिए। मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे ट्रेन टाइप लिखा हुआ है, मेल या एक्सप्रेस। तो इस पे दोस्तों आपको सुपर फास्ट सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि दोस्तों अगर मेल एक्सप्रेस का आप बुक करते हैं तो आप मेल एक्सप्रेस में ही ट्रेवलिंग कर सकते हैं, सुपर फास्ट ट्रेन में आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। अगर आप सुपर फास्ट का पास बनाते हैं तो सुपर फास्ट में आप किसी भी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। क्लास टाइप जो दोस्तों सेकेंड रहता है। ड्यूरेशन जो है आप यहाँ पे मंथली, क्वार्टरली, हाफली, ईयरली कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मंथली पे रहने देता हूँ। आपको नाम एंटर कर देना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देना है, और यहाँ पे जेंडर और गवर्नमेंट द्वारा आपका कौन सा कार्ड है इशू है वो आपको एक सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके दोस्तों आईडी कार्ड नंबर भी एंटर करना है। इसके बाद आपको पेमेंट टाइप, किससे आप पेमेंट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे यूपीआई पेमेंट गेटवे पे कर दिया हूँ, जिसे मैं यूपीआई से भी कर सकता हूँ। और वहाँ पे नीचे आपको एड्रेस लिखा हुआ है, एड्रेस भी अपना फिल कर देना है। इसके बाद गेट फेयर पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप 580 रुपये का टोटल फेयर यहाँ पे लिखा हुआ है, नाम, एज और मंथली, सेकंड, सुपर फास्ट, सारा कुछ दोस्तों देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों नीचे लिखा हुआ है दिस टिकट विल बी वैलिड फ्रॉम 5/2/2024 टू 4/3/2024, मतलब कि दोस्तों यह एक महीने का पास है। तो यहाँ पर दोस्तों बुक टिकट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे एक अंडरटेकिंग फॉर्म जैसा आएगा, इसको एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, पेटीएम, मोबी की। तो हम पेटीएम पे सिंपली क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे सिंपली दोस्तों आपको UPI वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको फोन पे, एक्सिस बैंक, जो भी आपका बैंक होगा वो शो करने लगेगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं फोन पे क्लिक कर दिया। फ़ोनपे पे जैसे ही आप दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे 580 रुपये का IRCTC UTS एप्लीकेशन को पे करने का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही दोस्तों आप पे करेंगे तो आपका पास बुक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप पास बनाना सीख गए होंगे। और दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे दोस्तों आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में किसी शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।